अहमदाबाद में हीट वेव को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को दिशा निर्देश जारी करते हुए आदेश दिए कि वो स्टूडेंट्स को धूप में ना बिठाएं और इसके अलावा पीने के पानी की उचित व्यवस्था भी स्कूल में होनी चाहिए। स्कूल टाइम में 3 बार घंटी बजाकर बच्चों को पानी पीने के लिए भी भेजें। फरीदाबाद में हीट वेव को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को दिशा निर्देश जारी करते हुए आदेश दिए हैं कि वो स्टूडेंट्स को धूप में ना बिठाएं। इसके अलावा पीने के पानी की उचित व्यवस्था भी स्कूल में होनी चाहिए। स्कूल टाइम में 3 बार घंटी बजाकर बच्चों को पानी पीने के लिए भी भेजे। राजकीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल का कहना है कि शिक्षा निदेशालय की दिशा निर्देश के अनुसार स्कूल में सभी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि बच्चों को हीट वेव से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी फ्लोर पर वाटर कूलर की व्यवस्था के साथ साथ बच्चों को गर्मी से बचने के लिए खिड़कियों पर पर्दे भी लगाए गए हैं। विद्यार्थियों को घर से स्कूल या स्कूल से घर जाते समय सिर को ढक कर रखने के लिए कहा गया। क्लासरूम में भी सभी अध्यापक बच्चों को हीट वेव से बचने के लिए उपाय भी बताते रहते हैं। सभी विद्यार्थियों को ये भी कहा गया है कि अपने साथ साथ पानी से भरी हुई बोतल भी साथ में रखें और हर 10 से 15 मिनट बाद पानी पीते रहें। उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस की तरफ से आरएमसी फंड भी स्कूल के अंदर होता है, उसे बजट से सभी विद्यार्थियों को ओआरएस का पैकेट भी दिया जाएगा। इसमें निदेशालय द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है जो कि सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से हर विद्यालय में भेज दी गई है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो। गर्मी है, ज्यादा है, इससे कैसे बचा जाए, कैसे बच्चे के स्वास्थ्य ध्यान रखा जाए, इस तरह कुछ गाइडलाइन हमारे पास आई हैं सरकार के द्वारा। बाकायदा लेटर जारी हुआ है, मेरे के थ्रू मिला है, उसमें कुछ बातें हैं जैसे पानी के बारे में जो आप पूछ रहे हैं हमसे कि भाई पानी के लिए बेल बजाई जाए, तो जो सेशन होता है मॉर्निंग सेशन हो चाहे इवनिंग सेशन हो, उस दौरान हम एक तो ब्रेक होता ही होता है। बहरहाल बढ़ती गर्मी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सभी राजकीय और निजी स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि स्कूलों में विद्यार्थियों को धूप में नहीं बैठाया जाए, वहीं कोई भी कार्यक्रम खुले में धूप में नहीं किया जाएगा। साथ ही हर 1 घंटे में बच्चों के लिए पीने के पानी के लिए घंटी बजाई जाएगी ताकि बच्चे डिहाइड्रेशन का शिकार न। टोटल टीवी के लिए दिनेश कुमार की रिपोर्ट।